गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर क्लास टेंथ के लिए है। तो देखो, लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 आसान भी है क्योंकि सिर्फ इसमें हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। कोई रेशनल नंबर हमें दे दिया जाएगा, उसको हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ इतना फाइंड हमें करना है। चलिए, सबसे पहले तो अगर हमें पता करना है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीजन मेथड, बगैर डिवाइड किए, तो हमें क्या करना है कि जो रेशनल नंबर हमें दिया है उसका डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। और अगर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में आते हैं, अगर उस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर m में आते हैं, तो समझ लेना कि वो नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर m और अदर कोई फैक्टर इसके साथ आता है, अगर ये दोनों फैक्टर भी आते हैं बट इसके साथ मान लो 3 की पावर कुछ आ जाए, 7 आ जाए या 6 आ जाए, तो समझ लेना कि वो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। टर्मिनेट कब होगा, सिर्फ या तो 2 की पावर m है या सिर्फ 2 की पावर 5 की पावर m है या फिर ये दोनों है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सिर्फ इतना हमें इसमें बताना है और इसकी एक्सरसाइज में सिर्फ हमें इतना ही पूछा है इसने। एक्सरसाइज 1.4 पर अगर हम आते हैं तो इसने क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने 10 पार्ट इसमें दिए हैं, सिर्फ इसने पूछा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमें सिर्फ बताना है। देखो, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ये रेशनल नंबर, उसने बोला है कि ये सारे रेशनल नंबर है, ये हमें बताना है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो यहाँ पर रिपीटिंग भी होगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने फर्स्ट पार्ट इसने दिया है, इसने बोला है 13/3125। अब हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और अगर वो इस फॉर्म में आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए, हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले 3125 ये इसका डिनोमिनेटर है, इसके फैक्टर हम करते हैं, ये 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से जाएगा ये 125, फिर 5 से टर्मिनेट होगा 25, फिर 5 से टर्मिनेट होगा 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम, ठीक है। तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13/5×5×5×5×5। तो ये हमारा आ गया 13/5 की पावर m। देखो, 5 की पावर m हमें मिल गया, ठीक है। तो 5 की पावर m हमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 13/3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m। सो इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, सिर्फ हमें इतना फाइंड करना है और हमें कुछ नहीं बताना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपके लिए, थर्ड पार्ट चलिए मैं बताता हूँ इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में इसने दिया है 64/455, ठीक है, 455। डिनोमिनेटर हम उठाएंगे, डिनोमिनेटर उठा के हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर ये कटेगा 7 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम। अगर अब हम क्या देख रहे हैं कि 64/5×7×13। देखो, 5 की पावर m तो है हमारे पास, बट हमारे पास 7 और 13 अदर फैक्टर भी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ 64/455
इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ओनली 5 की पावर m और 2 की पावर m या 5 की पावर m इंटू 2 की पावर m. सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, सिर्फ इतना हमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना. ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग होगा. इसी टाइप से हम इसमें 10 पार्ट है, सभी को सॉल्व करना है. चलिए ये हो गया, इसके बाद मैं बताता हूँ. फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, इसके बाद आते हैं 5th पार्ट पे. फिफ्थ पार्ट क्या है? 5th पार्ट है 29 अपॉन 343. चलिए डिनोमिनेटर है, वैसे तो हमें पता है 7 का क्यूब होता है, फिर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. जिन बच्चों को नहीं पता है, 343 इसको डिवाइडेड करेंगे 7 से जाएगा 49 टाइम, फिर ये 7 से जाएगा 7 टाइम और 7 से 1, तो हम इसको लिखेंगे 29 अपॉन 7 की पावर 3. ठीक है, तो ये क्या है? वही लाइन आप लिख दोगे जो मैंने लिखी थी, और लिख दोगे 29 अपॉन 343 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. ठीक है, वो लाइन लिखनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में नहीं है, कि फॉर्म में नहीं है. सो ये नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ठीक है, चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें 6 वाले पार्ट की, ये हो गए 5th वाले पार्ट. अगर 6 की हम बात करें तो 6th पार्ट क्या है? 6th पार्ट इसने दिया है 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2. तो देखो यहाँ तो हमें 2 की पावर m और 5 की पावर m दोनों दिए हैं, तो हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है नहीं. तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m. सो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, सो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग, बस इतना बताना है. बाकी इससे नेक्स्ट वाला वो भी आसान है, उससे नेक्स्ट वाला भी आसान है, सारे ही आसान है, सब हो जाएंगे वो तो. चलिए इसके बाद हमें एक और बता देते हैं इसमें 9th वाला पार्ट. देखो 9th वाला पार्ट क्या है? 9th वाला है 35 अपॉन 50. अगर हम 50 के फैक्टराइजेशन करें, 50 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? तो 2 इंटू 5 की पावर 2 आएगा. ठीक है, तो 2 की पावर m भी आ गए, 5 की पावर m भी आ गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 की पावर m कर लेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे भी, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 भी हो जाएगा, तो 2 की पावर m और 5 की पावर m आ गया. ऐसे हम यहाँ कर सकते थे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 की पावर 3 2 की पावर 3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा. सिर्फ इतना हमें बताना है इसमें. 10 पार्ट हैं इसके, ये क्या है? ये फॉर्म आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, तो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कहता है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अच्छा, इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उन्हें हमें क्या करना है? डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म में लिखना है उनको, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है उसको. आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हो या फिर डिवाइड करके भी लिख सकते हो. कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी. चलिए इसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? सारे पार्ट यही करने हैं. चलिए हम इसका एक जो है टर्मिनेटिंग वाला पार्ट ले लेते हैं. फर्स्ट वाला हमने किया था वो टर्मिनेटिंग था, सेकंड वाला भी इसका टर्मिनेटिंग है. सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं, उससे आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे. 17 अपॉन 8. ठीक है, देखो 17 अपॉन 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? 17 अपॉन 2 की पावर 3. ठीक है, कोई दिक्कत? 17 अपॉन 2 की पावर 3 आ गया. चलिए अब हमें डिवाइड करना है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें इस फॉर्म में इसको अगर हम ले आएँ 17 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू हम 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ये इससे कट जाएगा, यही बचेगा हमारा,
तो 5 की पावर 3 से हमें रेशनलाइज इसको कर दिया, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आएगा 17 × 125 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, क्योंकि बेस दोनों का अलग है और पावर दोनों की इक्वल है। जब पावर इक्वल होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 × 10 10 की पावर 3। ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा इंडिसेस वगैरह में। चलिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो 17 × 5 = 85, 5 × 8 17 × 2 = 34 और 8 = 42, 2 × 4 = 17, 1 = 17 और 4 कितना आ गया 21 अपॉन 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब समझते हो 1000, तो 10 की पावर 3, ये जो 3 है ये 3 के बाद पॉइंट लगा देगा, तो 2.125 ये हमारा आ गया, डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जब हमें पर हमें हमारे पास फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूले से करें, डिवाइड तो छोटे छोटे बच्चों का काम है। चलो डिवाइड करके भी कर लेते हैं, 17 को डिवाइड अगर हम करें 8 से, तो 8 × 2 = 16, 1.0, 8 × 1 = 8, 2, 8 × 2 = 16, 4, 8 × 5 = 40 आ गया, यही आंसर ये आ गया। ठीक है, इसी टाइप से हमें जितने भी इसमें टर्मिनेटिंग हैं सभी टर्मिनेटिंग को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग हैं सभी को डेसिमल फॉर्म में करना है। चलिए ये तो एक हो गया, वैसे तो फर्स्ट वाला भी टर्मिनेटिंग है, वो तुम खुद कर लेना। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसका, कौन सा वाला क्वेश्चन है, चलिए ये बताते हैं। 6 वाला पार्ट जो है इसका वो है 23 / 2³ और 5³। देखो ये हमें पता तो है कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो हम इसको देखो इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। 23 / 2³ × 5² अगर 5³ करेंगे तो 5² × 5 और इंटू 5, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 10 की पावर कितना हो गया 3, क्योंकि ये 5³ हो जाएगा और 5 × 2 = 10 10 की पावर 3। अब 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.115 ये इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए हम इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि 23 को हम डिवाइडेड कर दें किस से, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 8 = 200, 200 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा कर 0 लगानी पड़ेगी, 1 टाइम जाएगा 230, फिर 0 लगाएंगे तो 201 = 200, फिर 100 बचेगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, क्योंकि 205 = 1000 होता है, तो आ गया सेम आंसर। ठीक है, चलिए और इसमें कौन है टर्मिनेटिंग, एक इसमें टर्मिनेटिंग है 9 वाला पार्ट, तो 9 वाला पार्ट और देखते हैं, ये भी करा देते हैं, बाकी और भी होंगे इसमें तो वो तुम्हें कर लेना है। फर्स्ट वाला तो है ही, जो शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में ही कराया था, 9 वाला पार्ट है। 9 वाला पार्ट ये बोलता है 35/50, देखो इसको हम लिख सकते हैं 35/2 × 5² ठीक है, अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 35 × 2/2 × 2 × 5² तो ये आ जाएगा 70/2 × 2 कितना हो गया 2² और ये 5² बस, तो ये क्या आ गया 70/10 की पावर 2, तो 70/10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 तो ये ख़त्म हो गई, तो 7/10 तो इसको हम लिखेंगे 0.7 बस, ये आ गया। इस बस इसी टाइप से डेसिमल में चेंज करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। चाहे तो आप डिवाइड करके भी इसको कर सकते हो, 35 है, 35 को डिवाइड करना है 50 से, पॉइंट लगा के 0 तो 7 टाइम जाएगा, 7×5 = 35 होता है, बस आ गया, लेकिन आपको इस फॉर्मूले से करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ख़त्म हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसने क्या, इसमें 3 पार्ट्स इसने दिए हैं और बोला है कि जो रेशनल नंबर है उसको P/Q के फॉर्म में हमें लिखना है और बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है। रियल नंबर हमें दिए हैं, ये बताना है कि कौन सा रेशनल है और नहीं है, और जो है उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें अब
देखो क्वेश्चन नंबर थ्री का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट इसने क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है 43.12345678 9, ये क्वेश्चन इसने दिया है। तो इसे हमें बताना है कि ये क्या है। देखो ये टर्मिनेट है, पूरा टर्मिनेट है, डिवाइड है, डिवाइड हो रहा है, चाहे पॉइंट के बाद हो रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन ये डिवाइड है तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9, क्योंकि 9 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ये क्या आ गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इसको भी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, क्योंकि पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो आप लिख सकते हो कि 43.12 ये जो भी है ये एक रेशनल नंबर है, और इसका पी अपॉन क्यू की फॉर्म ये हो गई, बस इतना करना है इसमें। चलिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सर सिर्फ इतना ही बताना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, बस और कुछ नहीं बताना है।